हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाई टी एस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैं जो अपडेट देने वाला हूं ये बिहार शरीफ से लेकर के यानी रामचंद्रपुर से लेकर के आपको गिरियक तक दूंगा। और आज आपको दिखेगा कि मैं गिरियक साइड अपडेट क्यों नहीं देता हूं, बिहार शरीफ से उस साइड अपडेट क्यों नहीं देता हूं, क्योंकि आपको एक शानदार रोड देखने को मिलेगा इस वीडियो में। और एकदम चकाचक फोर लेन पूरी तरीके से कंक्रीट वाला रोड मिलेगा। तो ये जो देख रही है बिहार शरीफ रामचंद्रपुर में जो है कि जो फ्लाईओवर है जिसका कि मैं अभी हाल ही फिलहाल अपडेट दिया था, तो ये देख सकते हैं आपकी पियर बनकर कंप्लीट है, गडर वगैरह लॉन्चिंग का काम चल रहा है, प्रक्रिया जो भी है। तो मैं आपको पूरा लेकर चलूंगा, तो चलिए पूरा अंत तक बने रहिए। वैसे यहाँ पर जो है कि आधा पियर और गटर का काम हो चुका है और मैं आपको बस से लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी थी और मेरा मोबाइल बार बार हीट हो जा रहा था। तो वीडियो बहुत कम है लेकिन इतना में बहुत कुछ है। तो ये जो जगह है ये कारगिल चौक है, ये जो आप देख रहे हैं ये गोलंबर, मैं आपको सीधे लेकर चलूँगा। देखिए इस साइड ये सब ये जो जगह है इस पर मैं पैदल चलता था कभी, लेकिन अब तो मैं गाड़ी से ही चल सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं, एक कंस्ट्रक्शन अपडेट देने वाले के लिए अब क्या बचा है। तो इसीलिए मैं गाड़ी से ही चला हूँ पटना से लेकर के और गिरियक तक। तो ये अप्रोच रोड है जो आप देख रहे हैं। चलिए इसके बाद जो है कि ये जो एरिया देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जैसे ही बिहार शरीफ से आगे निकलिएगा तो एक पावापुरी हॉल्ट स्टेशन है, ये वहाँ पर का ये भाग है। इस साइड पावर ग्रिड है तो ये पावापुरी हॉल्ट के भाग है। चलिए और थोड़ा सा आपको झलक दिखाता हूँ। यहाँ पर रेलवे फाटक है जहाँ पर कि रेल ओवरब्रिज बन रहा है, फुट ओवरब्रिज के जहाँ पर रेल ओवरब्रिज है, यहाँ से गाड़ियाँ फोर लेन रहेगी। जो ये फुट रेल ओवरब्रिज है यहाँ पर फाटक जो है बंद होकर के ये गाड़ियाँ गुजरेंगी और सामने में ही आपको पावापुरी हॉल्ट स्टेशन देखने को मिलेगा। चलिए और दिखाता हूँ आप आगे। ये जो एरिया है यहाँ से लेफ्ट साइड में गाड़ी जो कटती है तो वो शेखपुरा की ओर चली जाती है, सीधे मैं आपको गिरियक के तरफ लेकर चलूँगा। तो यहाँ पर भी एक अंडर पासेज है। चलिए अब देखिए यहाँ से रोड का कंडीशन, ये सब जो देख रहे हैं ये सब पे मैं पैदल चलता था, कभी ढलैया हो रहा था तब की बात बता रहा हूँ, ये आज से 8 महीना पहले की बात बता रहा हूँ। तो देखिए कितनी शानदार एक फोर लेन कंक्रीटिंग का रोड है। ये रोड की चौड़ाई की बात करूँ तो एक तरफ से दूसरे तरफ की चौड़ाई पूरी 9 मीटर है, एक तरफ का 9 मीटर एक तरफ का, फिर बीच में डिवाइडर है, और भी रोड की बहुत सारी जगह ली गई है। तो चलिए देखिए किस तरीके से। तो ये रोड में तो कुछ बचा नहीं, इसीलिए मैं आगे का अपडेट नहीं देता था आपको। इसमें आपको पावापुरी का भी झलक देखने को मिलेगा। तो देखिए कितनी शानदार रोड है और किस तरीके से गाड़ियाँ चल रही है। बस की भी स्पीड बहुत है लेकिन पता नहीं चल रहा है, मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा था इसीलिए। गाड़ी वाले भैया को बहुत रिक्वेस्ट करके मैं आगे बैठा, आगे वाली सीट पे वो बैठा नहीं रहे थे, लेडीज़ सीट है, लेकिन फिर बहुत रिक्वेस्ट के बाद जो है कि हमें आगे वाली जगह मिली। तो देखिए किस तरीके से एक शानदार रोड नवादा साइड जाने के लिए फोर लेन कंप्लीट है। ये कहीं कहीं पे ब्रिजेज हैं जिसकी वजह से काम फंसा हुआ है, तो फोर लेन कंप्लीट है। अब देखिए ये जो टर्न ले रही है वीडियो के आपके राइट साइड में, तो देखिए ये रास्ता से पहले मैं ले जाता था आपको, और इन रास्तों पे पैदल चलता था, कई बार अपडेट दिया था। अभी जो ये ब्रिजेज वगैरह आ रहे हैं छोटे मोटे पुल पुलिया जो ट्रक गुजर रही है वहाँ पर भी है, तो इन सब जगहों पर मैं पैदल चलता था, कई बार अपडेट भी दिया आप लोगों के लिए। और ये रास्ता जो है कि शहर के छोटा मोटा कस्बा है वो अंदर होता था फिर बाहर निकल जाती थी, और ये बन रहा था उस वक्त। और थोड़ा सा झलक आपको मैं दिखाता हूँ आगे चल करके, तो आपको याद आ जाएगा जैसे ही मैं मोबाइल को घुमाऊँगा तो थोड़ा बहुत आपको याद आ जाएगा। देखिए ये पुल पुलिया जो बन रहा था, तो उससे मैं इस साइड का कवर करता था और इस साइड से मैं नदी से हेल करके, नदी में पानी उतना नहीं रहता था, पत्थर वगैरह रखे रहते थे तो उससे मैं गुजरता था। तो चलिए देखिए कितनी शानदार रोड कंप्लीट हो गया है। तो इसीलिए अब जो काम बचा है वो बिहार शरीफ से लेकर बख्तियारपुर तक साइड ही बचा है, इसीलिए अब उधर का ज़्यादा अपडेट आएगा आप लोगों को, इस साइड का कम आएगा। थोड़ा बहुत गिरियक का अपडेट आएगा क्योंकि वहाँ पर थोड़ा बहुत काम रह गया है, इसीलिए मैं बता रहा था। तो चलिए वैसे इसे जो बनाने वाली कंपनी है वो गावर कंपनी है, जो इसे कंस्ट्रक्ट लगभग कर चुकी है। जहाँ जहाँ पे जैसे यहाँ पे भी थोड़ा सा पुल पुलिया काम है जिसकी वजह से काम बचा हुआ है, अब फोर लेन कहीं कंप्लीट है कहीं टू लेन कंप्लीट है, किस तरीके से गाड़ियाँ भर रही। अब मैं आपको पावापुरी का झलक दिखाऊंगा। ये जो फ्लाईओवर देख रहे हैं ये पावापुरी का झलक है। तो पावापुरी में भी अप्रोक्स फ्लाईओवर की बात करूँ तो लगभग 80% काम कम्प्लीट हो चुका है, ढलैया काम कम्प्लीट है, बीच का काम बाकी है, मतलब 3 या 4 पियरों का काम बाकी है। अगर अप्रोक्स बात करो तो 100 मीटर का यहाँ पर मेन अंडर पासेज है, बस यही इतना है थोड़ा बहुत जो आपको देखने को मिल रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे काम थोड़ा बहुत है। इसका भी अपडेट अब मैं नहीं दे पाऊँगा, एक आध बार और दूंगा क्योंकि मेरे लिए तो अब कुछ बचा नहीं, लेकिन आप लोग हमसे जुड़े रहें। ये पावापुरी के आगे का भाग है यानी गिरियक साइड से है, और मैं आपको नवादा साइड लेकर चल रहा हूँ, गिरियक का पूरा फ्लाईओवर दिखाऊँगा आपको। और नवादा साइड तो सब कुछ हो चुका है, तो चलिए बने रहिए और पूरा मैं दिखाता हूँ। वैसे मैं अब स्टेशन से भी अपडेट देता हूँ, और बहुत जल्द मैं वंदे भारत का भी अपडेट देने वाला हूँ, वो बिहार में चलने वाली है, हालांकि अभी पटना को नहीं मिली है, वो रांची को मिली है, हटिया को, लेकिन फिर भी मैं अपडेट करूँगा। और इस तरह का रोड का कंस्ट्रक्शन का अपडेट मैं हमेशा देता रहूँगा, चाहे वो जिस भी रोड से हो, कोशिश करूँगा इसका बहुत बढ़िया से अपडेट देने का, क्योंकि अभी डिवाइडर का काम चल रहा है, लाइटिंग का काम बाकी है अभी। और ये देखिए दूर से ही आपको पहाड़ दिख रहा होगा, यानी आप गिरियक शहर में अब इन करने वाले हैं जो कि नवादा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है,
तो चलिए थोड़ा बहुत वहाँ का भी झलक दिखाता हूँ आपको। कई सारे पेड़ों का काम बाकी है, रोड का जितना भी काम है इस साइड कंप्लीट है, जो आपके सामने कैमरा में ये रिकॉर्डिंग है, ऑन कैमरा है। और ये हाल फिलहाल का, ये बैक का कहीं भी नहीं है, बस मैं वीडियो एडिट करता हूँ तो एक दिन दो दिन का होता है, उससे पहले का नहीं होता है, एक दिन दो दिन भर में का मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं आप, ये गिरियक का अप्रोच रोड है, इस पर भी मैं पैदल चला था, आपको 76 पियर एक एक कई बार बारीकी से दिखाया था। अब जो है कि देखिए आप ये पियर किस तरीके से लाइन से बना हुआ है, और एक पियर पे फोर लेन है, ये बहुत काबिल तारीफ़ है। तो इस तरह का अपडेट देखिए आप, अब गिरियक का भी फ्लाई ओवर कम्प्लीट हो जाएगा, तो गिरियक वाले लोग तो हमसे छूट जाएंगे, लेकिन जुड़े रहिएगा। तो मैं फ्यूचर में कोई किसी भी तरह का गिरियक से भी अपडेट रहेगा तो मैं कंटिन्यू देता रहूँगा, क्योंकि रोड का काम तो अब कम्प्लीट ही हो जाएगा। तो बहुत फास्ट काम चल रहा है जो आपके सामने है, फ्लाई ओवर और ब्रिजेस का काम बाकी है, फिर इसका भी काम कम्प्लीट हो जाएगा। देखिए रोड ख़राब होने की वजह से बार बार मेरा कैमरा गिर जा रहा था, जिसकी वजह से ऐसा देखने को मिला आपको। तो इस साइड भी देख सकते हैं आपके काम अप्रोक्स कंप्लीट है। और चलिए अब मैं वीडियो को एंड करूँगा, और थोड़ा बहुत मैं रुक करके आपको और भी कुछ दिखाना चाहूँगा आगे। तो फोर लेन के ऊपर पे ढलैया में भी हुआ हुआ है, कंक्रीटिंग भी हुई हुई अच्छे से, और चलिए देखते हैं कुछ और। देखिए इस तरीके से बार बार मेरा कैमरा हिल जा रहा था, और बड़ी मुश्किल से मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड किया हूँ, मेरा मोबाइल बहुत हीट हो जा रहा था, एक मिनट भी ठीक से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता था। मैं 20 तक आपको अपडेट दिया हूँ, चलिए बने रहिए लास्ट तक इसके लिए। तो अपडेट देने के क्रम में मैं आ गया बीच नंबर यानी पिलर नंबर 45 के पास, और इस तरीके से इस तरफ से एक सा एक है, लेकिन मैं आगे का वीडियो इसलिए नहीं, बहुत हीट हो गया है और गर्मी बहुत है जिसकी वजह से मोबाइल बार बार हीट हो जा रहा है। नया मोबाइल है सैमसंग का, लेकिन फिर भी हीट हो जा रहा है, मतलब 2-3 मिनट स्क्रीन ऑन हो रहा है जिसकी वजह से। तो मैं कंटिन्यू इसका अपडेट देता रहूँगा, एक झलक देख लीजिए कि काम हुआ हुआ है काफ़ी जोरों शोर से। तो फिर किसी और पार्ट में किसी और नए के साथ मिलूंगा, वीडियो जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।